रात को जो कुछ भी हुआ वो मैंने अपनी आंखों से देखा। झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच। तुम अब भी मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ कैसे बोल सकते हो? मैंने ऐसा कुछ फील नहीं किया। क्या वाकई तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? मैं नहीं करता तुमसे प्यार। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बेहद प्यार करते हो, लेकिन उस लड़की ने तुम्हारी आंखों में पर्दा डाल दिया है। तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे लगता नहीं, ऐसा वाकई में है। क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अरे वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती है यार, अब तो आंखें खोलो, कुछ समझ नहीं आ रही। छोड़ो मुझे, तुम्हारे बिना मर जाऊंगी मैं। क्या तुम अपने बच्चे से भी प्यार नहीं करते? हाँ, तुम्हें जो समझना है समझो। खुदा के लिए अब इससे ज्यादा मजीद मैं और कुछ नहीं कह सकता। मैंने जिंदगी भर तुमसे वफा की है, उसका ये सिला दे रहे हो? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। याने नाराज, अंदर आ सकता हूँ मैं? हाँ, तो आपको इजाजत लेनी आ गई। अपने घर वालों के हाथों मजबूर था मैं, यही बात सच है कि मेरी जबरदस्ती शादी करवाई गई है। अच्छा, शादी के वक्त तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता था? तुमने जो मुझसे वादे किए थे, क्या वो झूठे थे? नहीं यार, मेरी मर्जी से कुछ भी नहीं हुआ है। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझसे झूठे हो तुम। जमीन पे बैठने की आदत गई नहीं तुम्हारी। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैंने तुमसे झूठे वादे कभी नहीं किए और ना ही तुमसे इजहार किया है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। सब कुछ ठीक तो है ना? मैं बहुत रश करती थी कि मेरा शौहर मुझसे बहुत प्यार। हाँ, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ और जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। तुम्हारी बेवफाई मुझे यहाँ तक ले आई है। तुम अभी तक ये शोज देखते हो? तुम्हें वो दो सिंगर्स तो याद है ना? पता है उन दोनों ने शादी कर ली है और वो दोनों अपने दो छोटे बच्चों को इस शो में लाए थे, देख लो। वो जो जिसके बाल स्ट्रिप थे? हाँ, अरे वो नहीं यार, स्ट्रिप नहीं कहते उसे। हाँ। ये भी नहीं पता। तुम अपने भाई को ही देखो, उसने कभी अपनी बीवी को छोड़ने की बात? एक बात बताओ तुम, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किसी को छोड़ना चाहे या रखना चाहे। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे तुम्हें छोड़ना है। इतने अरसे बाद यहाँ कैसे आना हुआ? तुम बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि तुम असल टॉपिक पे आओगे। अपने घर वालों के हाथों मजबूर था मैं, यही बात सच है कि मेरी जबरदस्ती शादी करवाई गई है। तुम झूठ बोले हो, मुझसे झूठे हो तुम। नहीं यार, मेरी मर्जी से कुछ भी नहीं हुआ है। गाना चल रहा है, खत्म हो गया शो। मुझे ये गाना भी सुनना है अभी। यालिन, हाँ बोलो। एक तो तुम मेरे घर आ गए, ऊपर से मुंह बनाकर बैठे हो, क्यों? क्या लगता है? ब्रेकअप तो नहीं हो गया? सच है। क्या सच में ब्रेकअप हुआ है? हो गया। नाम क्या था? डेफने। अच्छा, तो इसीलिए आए हो तुम यहां? तुमसे वादा किया था ना मैंने। देखो, भूल जाओ वो सारी बातें। तुम्हें डेफने से प्यार हुआ था, ठीक है? और उससे तुम्हें धोखा दिया, ऐसे ही? उफ, बद्दुआ कबूल हो गई। दुआएं यार, वो सब गुस्से में कहा था और उस वक्त सिचुएशन भी ऐसी ही थी। भूल जाओ अब। तुम सही थे। खैर छोड़ो, ये सब हुआ कैसे मुझे इसकी वजह बताओ। क्या मतलब, किस लिए? मतलब तुम्हें धोखा दिया है ना उसने? नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। चुप हो जाओ, पता नहीं क्या कुछ बोलती जा रही हो तुम। देखो, तुमने अभी खुद ही कहा है कि यहाँ अपना वादा निभाने आए हो, तो वादा भी यही था ना कि जब धोखा मिलेगा तभी मिलेंगे हम। हाँ मिल गया ना धोखा, आ गया इसलिए।
अगर उसने तुम्हें किसी और के लिए नहीं छोड़ा तो ये धोखा कहीं से भी नहीं है। अम्मी को ढूंढ लिया उसने। अम्मी को अब समझ आया मुझे। जाओ यार। मैं सो नहीं रहा हूँ पागल। तो और क्या कर रहे हो यहाँ लेट के? डेफने को याद कर रहे हो? तंग मत करो। कितने बोरिंग इंसान हो यार। उठो उठो, नाश्ता करने चलते हैं। मुझे नहीं खाना, तुम जाओ। हाँ, इस तरह तो तुम पागल हो जाओगे और डिप्रेशन के मरीज हो जाओगे। पता है जब तुमने मुझे धोखा दिया था तो मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। हद है यार। अब तुम भी बदला लोगी क्या? चलो शुरू हो जाओ, बोलो क्या बोलना है, जल्दी करो। ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी जले पर नमक नहीं छिड़कती मैं। बस स्टेफने का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मेरा बदला उसने ले लिया ना, बहुत अच्छा हुआ। सुनो, तुम्हें लगता है मैं सब भूल पाऊंगा? जैसे तुमने सब भुला दिया। पता नहीं, मुझे शुरू में थोड़ा गुस्सा आया था, फिर लगा कि ये सब मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, लेकिन वक्त ने सब भुला दिया। तुम्हें कैसा फील हो रहा है? मुझे तो उस पर गुस्सा भी नहीं आ रहा है। अगर मेरे सामने आई तो मैं उसे गले लगा लूंगा, है ना? बहुत खूब, और ताने दो मुझे, शाबाश। आसले कभी ताने नहीं देती है, ये तो बस कुदरत का खेल है। वाह वाह। क्या तुम मुझे याद दिलाओगी कि मैं यहाँ क्यों आया था? क्योंकि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। और मैं अब तक यहाँ क्यों बैठा हूँ? क्योंकि तुम नहीं चाहते कि डेफने को पता चले कि तुम यहाँ हो, और अगर तुम घर जाओगे तो तुम्हारी अम्मी और डेफने तुम्हें वहाँ पे मिलने आ जाएंगे। जानती हूँ, मान लो कि तुम यहाँ छुपने के लिए आए हो। सच में गलती हो गई मुझसे। अब तो हो गई है गलती। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो अभी। अब ये सोचो कि आगे क्या करोगे तुम, यानी अगर ऑफिस जाओगे तो वहाँ भी तो डेफने होगी ना। निकाल दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। देखो, तुम्हारा जाती मसला है, उसे नौकरी से तो नहीं निकाल सकते ना। लेकिन फिर भी मैं डेफने से दूर कैसे रहूंगा यार।